Hi guys, I'm Mr. Manoj. Now you are watching my YouTube channel, Mr. Manoj. So friend, आज हम discuss करेंगे कि pregnancy dog कैसी होती है और कब pregnancy होती है और newborn puppy की कैसे care लिया जाता है, उसी के बारे में हम discuss करेंगे. ठीक है friends, तो आप कैसे जानेंगे कि आपका dog कब pregnancy होगी. ठीक है friends, जब घर में puppy लेके आती हो, puppy को जब 7 month या 8 month हो जाता है तो फर्स्ट टाइम उसका क्या करते हैं, हार्मोन निकलता है उसके बॉडी से. अब कैसे जानेंगे उसका हार्मोन निकल रहा है, तो जहाँ भी बांधा हुआ होता है आप देखेंगे वहाँ पे ड्रॉप ड्रॉप ब्लड पड़ा हुआ होगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जानेंगे कि उसका हार्मोन निकल रहा है, तो उसी टाइम क्या करना है, आपको मीटिंग नहीं करना है, क्योंकि उसी टाइम 7 या 8 month होगा आपका फीमेल डॉग को, तो आप मीटिंग करेंगे तो प्रेगनेंसी होगा, तो उसका थोड़ा लाइफ रिस्क होगा और पपी भी ठीक से नहीं होगा, तो उसी टाइम आप क्या करना है, मीटिंग नहीं करना. जब फीमेल डॉग को 14 या 15 month हो जाएगा तो फिर हार्मोन निकलेगा, तो जब हार्मोन निकलेगा उसी डेट से 9 day, फिर एक दिन छोड़ के 11 day में वो मीटिंग होगा. ठीक है फ्रेंड्स, जब मीटिंग होगा तो 11 day में जब मीटिंग होगा तो डॉग क्या करेगा, अच्छे से उसको नहाना है, और प्रेगनेंसी जब होगा तो बीच में कभी भी डॉग को मत नहाना, क्योंकि मदर के लिए भी रिस्क हो सकता है, पप्पी के लिए भी रिस्क हो सकता है, बीच में कभी भी मत नहाना. ठीक है फ्रेंड्स, जब मीटिंग होता है तो 1 महीना उसको केयर में रखना पड़ता है, मीटिंग डेट से जब लास्ट मीटिंग होता है. ठीक है फ्रेंड्स, अब डॉग को कभी भी जंप मत कराना और रनिंग मत कराना, और कभी भी सीढ़ी में लेकर जाते हो तो छत पर उसको कभी भी रनिंग मत कराना. ठीक है फ्रेंड्स, 1 महीना उसको थोड़ा केयर में रखना पड़ेगा, और कभी भी डॉग को खुला मत छोड़ना, उसको थोड़ा केयर रखना, और जब भी डॉग को खाना देना उसका थोड़ा बर्तन साफ रखना, क्लीन रखना, देखिए कैसे बर्तन क्लीन है, आगे पीछे दोनों तरफ से क्लीन रखना, उसको थोड़ा खाने के लिए अच्छा लगेगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा क्लीन रखना बर्तन को. तो अब देखिए जब मैं खाना देता हूँ तो कैसे खाना देता हूँ, जब आप डॉग को खाना देते हो तो 1 महीने के बाद उसका थोड़ा पेट बड़ा हो जाता है, और उसको जब भी खाना देते हो तो 3 times या 2 times देते हो, तो उसको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा देना है और 4-5 बार खाना देना है. ठीक है, क्योंकि ज़्यादा खाने से वो ठीक से कंफर्टेबल फील नहीं करेगा और ज़्यादा सांस लेना लगेगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे, उसी खाना को जब दिन भर जितना खाना देते हो उसी खाने को आप 5 times उसको क्या करना है, 5 times देना है. ठीक है, देखिए मैं उसे खाना देता हूँ, जब भी डॉग को देता हूँ तो उसको थोड़ा पानी मिला के इसलिए देता हूँ, तो खाने के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि पानी इसलिए मिलाता हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो मैं उसका खाने में पानी मिला के देता हूँ. अगर आपका डॉग सूखा खाना चाहते हैं तो आप सूखा दे सकते हैं. ठीक है, तो मैंने देने से पहले मैंने ये डेजी में कहा कि डेजी शीट, जब तक मैं उसको कमांड ना दूँ उसको नहीं खाना है. ठीक है, मैंने उसको कमांड दिया कि तू खा ले, उसको खा रहा है. ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जितना टाइम भी डॉग को खाना देते हो तो उसको थोड़ा बाउल थोड़ा क्लीन रखना है, और उसको प्रॉपरली खाना देना है 3 times by 3 times. और देखिए खाना खा रहा है डेजी. मैं डॉग का जब मीटिंग होता है उसी डेट से 1 महीने के बाद उसका थोड़ा ग्रोथ थोड़ा हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा मदर शेप में आ जाता है. देखिए कैसे मदर शेप में है डेजी. तो ये क्या करना है, तो आप कन्फर्म होंगे कैसे कि मेरा डॉग प्रेगनेंसी में है. 1 महीने के बाद उसका थोड़ा ग्रोथ चेंज हो जाएगा, और जब 58 days हो जाएगा तो थोड़ा वो खाना छोड़ देगा, खाना ठीक से नहीं खाएगा, और पानी ज़्यादा पिएगा, और ज़्यादा घूमने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसका जब 58 days हो जाएगा तो बच्चे का टाइम हो जाता है, 58 days और 62 days के बीच में पपी होता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी टाइम में डॉग क्या करता है, जब 58 days हो जाता है खाना छोड़ देता है, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने लगता है, और कहीं भी बैठ जाता है,
और कोने में कहीं भी खुदाई करता है, क्योंकि डॉग ये सोचती है कि जब मैं बच्चे दूँ तो उस बच्चे को थोड़ा सेफ्टी कैसे मैं दूँ। तो इसलिए क्या करते हैं डॉग, खुदाई करते हैं कि मैं एक गड्ढा करूँ और गड्ढे में बच्चे को मैं ठीक से रखूँ या प्रॉपर केयर से रखूँ, तो इसलिए खुदाई करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, जब डॉग पपी देगा तो वो थोड़ा क्या करे, जहाँ भी बांधा हुआ होता है खुदाई करने लगेगी। आप जानेंगे कि आपका डॉग अभी पपी देगा, ठीक है। तो आप क्या करना है, थोड़ा सूखा कपड़ा रखना है और बॉक्स वगैरह रखना, पपी रखना है। इसलिए पपी को रखना है बॉक्स में क्योंकि जब फीमेल डॉग प्रेगनेंसी होती है और जब बच्चे देती है तो 7, 8 या 10 बच्चे देती है, ठीक से केयर नहीं ले सकती और बच्चे के ऊपर सो जाती है कभी कभी, तो बच्चे का डेथ हो जाता है। तो इसलिए क्या करना है, थोड़ा पपी को थोड़ा केयर में रखना है। और जब भी पपी आती है तो सूखे कपड़े में उसको क्या करना है, उसको नाक और मुँह थोड़ा वॉश करना है। सूखे कपड़े में पपी को नाक को पहले वॉश करना है और मुंह को, और उसको बॉडी को वॉश करना है। और क्या करना है, बॉक्स में रखना है। जितना भी पपी आएगा पहले नाक और मुंह और उसको बॉडी को वॉश करना है, फिर में बॉक्स में रखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसको मदर ड्रिंक्स करना है। देखिए जब 58 डे हो जाएगा तो 58 और 62 डे के बीच में आप उसकी क्या करना है, डॉग को थोड़ा निगरानी में रखना है, क्योंकि उसी टाइम के बीच में पपी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे तो पपी कैसे होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पपी के टाइम क्या करना है, कैसे पपी आती है, वीडियो में देखेंगे। तो ये देखिए डेजी कैसा अभी एक्टिव नहीं है, उसके साथ है एलेक्स और जैक्स, लेकिन डेजी की खेलने के मूड में नहीं है, क्योंकि जो डेजी का अभी वीडियो है वो 60 डे में शूट किया गया है, अभी प्रेगनेंसी में है, पपी नहीं गया है। तो वो डॉग क्या करती है, ज़्यादा टाइम बैठ जाती है या सो जाती है, कहीं भी वो इतना भी खेलने की कोशिश नहीं करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए डेजी कैसा चुपचाप बैठा है, तो ये खेलने की उसका मूड में नहीं है। तो उसके पास एलेक्स भी है, लेकिन एलेक्स उसको बुला रहा कि डेजी आओ हम खेलेंगे, लेकिन डेजी खेलने की मूड में नहीं है, उसका रेस्ट चाहिए, क्योंकि उसका 60 डे हो गया है, पपी का टाइम आ गया है। तो हम वीडियो में देखेंगे कि पपी आती है तो कैसे पपी आती है, और पपी आती है तो जो बॉक्स में आती है पैकेट में, जैसे कि हम गिफ्ट मिलता है जरी पैकेट में, उसी तरह पपी आती है। तो फर्स्ट पपी कैसे आती है हम देखेंगे वीडियो में। तो हम वीडियो भी शूट किया है जब पहला पपी आती है, तो हम इसलिए वीडियो आपको दिखाएंगे, आप देख के कन्फर्म हो जाएंगे कि पहला पपी कैसा होता है, हम क्या करना है और उसको कैसे ट्रीटमेंट में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने भी वीडियो किया है, वीडियो हम दिखाएंगे। तो क्या करेंगे, उसी टाइम में जब डॉग 60 डे हो गया तो देखिए कैसा डेजी जोर जोर से सांस लेने लगती है और ज़्यादा टाइम सोने की कोशिश करती है, रेस्ट लेने की कोशिश करती है। तो उसी टाइम जो पपी आते हैं उससे पहले आपको सब प्रिपेयर करना है, सूखे कपड़ा और बॉक्स वगैरह रखना है और ब्लेड भी रखना है, क्योंकि जब पैकेट में आएगी तो उसको थोड़ा खोलना है। देखिए अभी प्रेगनेंसी टाइम में है, पहला पपी आया है डेजी का, देखिए डेजी पैकेट में आया, देखिए जो बच्चे है पैकेट में आया है। तो पैकेट के में कैसे आया हम पूरा वीडियो में देखेंगे, प्रेगनेंसी टाइम में है डेजी, बच्चे दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहला पपी है, पहला पपी है, पपी पैकेट में आया है, कैसे पैकेट में आती है हम देखते हैं वीडियो में। देखिए पपी है, देखिए फ्रेंड्स कैसे पैकेट में आया है, देखिए वीडियो, पूरा वीडियो देखिए। तो इसी तरह फर्स्ट बच्चा पैकेट में आता है या सेकंड बच्चा पैकेट में आता है, तो क्या करना है, पैकेट में जो बात पैकेट में खोलना है, उसको थोड़ा नाक और मुंह को साफ करना है, क्योंकि नाक में पानी होता है और मुंह भी पानी में होता है, देखिए कैसे पैकेट में। तो उसी तरह जो पैकेट में आया है उसको खोलना है, खोल के साफ करना है।
देखिए साफ करके मैंने कैसे उसका जो नाभि है उसको मैंने काटा, उसको बॉडी से एक इंच या डेढ़ इंच छोड़ के उसको काटना है। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसा हुआ है। देखिए वीडियो में ज़रा देखिए, काट दिया है मैंने नाभि को, और देखिए उसको मदर डिंच, उसके बाद उसको मदर के पास छोड़ना है, मदर डिंच करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह करने से आपका कॉपी भी अच्छा रहेगा और मदर डिंच जब करेगा तो मदर और बच्चे के रिलेशन भी अच्छा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।